दोस्तों आज मैं लाया हूं ओप्पो और पोको के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, जिसमें ये है ओप्पो K10 5G और ये है पोको M4 5G। तो आज करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ, और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है सबसे बेस्ट। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग पर नजर डालें तो मोबाइल का डिजाइन आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, और तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर यहां पर लाता रहता हूं। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट पे नजर डालते हैं। ओप्पो K10 5G से शुरुआत करते हैं। एक ब्लैक कलर का मिनी बॉक्स सबसे ऊपर आपको दिया गया है, जिसे हम ओपन करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर, और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर दिए गए हैं, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन। इसके बाद नजर आता है आपको स्मार्टफोन, फिलहाल इसे साइड रख के अंदर देखते हैं। तो यहां पर आपको एक बड़े साइज का हैवी चार्जर अडेप्टर नजर आएगा। ये 33 वॉट का एक फास्ट चार्जर यहां पर दिया गया है जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा। इसके बाद आपको एक व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल मिलती है। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी सही दी गई है। अब आते हैं हम पोको M4 5G पर। सबसे ऊपर एक येलो कलर का मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर टूल, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, फोन को सेफ्टी देने के लिए यहां भी आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर मिल जाता है। इसके बाद स्मार्टफोन, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखते हैं, तो यहां भी आपको एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये है 22.5 वॉट का एक फास्ट चार्जर। हालांकि फोन सिर्फ 18 वॉट तक ही सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको इसमें भी एक व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल दी गई है, लेकिन केबल की लेंथ और क्वालिटी ज्यादा बेटर आपको ओप्पो K10 5G में मिलती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। दोनों पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, स्क्रैच गार्ड दोनों पर पहले से लगा हुआ मिल जाता है। इन एनफील्ड दोनों ही स्मार्टफोन आपको हाथ में काफी कंफर्टेबल फील होंगे। साइज दोनों का लगभग एक जैसा है और थिकनेस भी दोनों की लगभग एक जैसी आपको मिलती है। दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल को आप देख सकते हैं, प्लास्टिक बॉडी दी गई है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज्यादा बेटर बैक पैनल लगा ओप्पो K10 5G का। यहाँ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल आपको दिया गया है और हल्के फुल्के कलर चेंज होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लाइट रिफ्लेक्शन काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आपको नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग, कैमरा सेटअप पे नजर डाले तो दो बराबर साइज के लेंस आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर मात्र 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। वहीं पोको M4 5G का बैक पैनल देखें तो यहां नीचे आपको नॉर्मल टेक्सचर डिजाइन दिए गए हैं, रेजिस है इन पर, स्क्रैचेस नहीं आते। ऊपर कैमरा सेटअप पर आपको ग्लास फिनिशिंग दी गई है, जहां पोको की ब्रांडिंग, और यहां भी आपको दो बराबर साइज के लेंस नजर आ रहे होंगे, जहां आपको मेन कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। यहां भी आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का ही मिलता है। स्मार्टफोन के जो कॉर्नर है वो भी बिल्कुल फ्लैट आपको मिलते हैं। साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है, और वहीं पर आपको पावर ऑन की भी मिलती है। जस्ट ऊपर आपको पोको वॉल्यूम रॉकर्स दे रहा है, और वहीं पर ऊपर की साइड नजर डालें तो सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए आपको ओप्पो में मिल जाता है, जबकि पोको में आपको IR ब्लास्टर दिया गया है रिमोट कंट्रोल के लिए। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको पोको में ऊपर की साइड ही मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स ओप्पो में यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा सिम ट्रे यहां पर मिलती है, और बॉटम में देखें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको ओप्पो में नीचे की साइड दिया गया है। इसके अलावा प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं, और दोनों स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर नहीं मिलते हैं। हालांकि कंपनी ओप्पो में अंदर बता रही है तो इनबिल्ट होगा डुअल स्पीकर, जो कि हमें बाहर से जिसका पोर्ट हमें नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की जो सिम ट्रे है इसे ओपन करके हम देख लेते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन में आप कितने कितने सिम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोको का देखते हैं, तो इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकते हैं। और ओप्पो में देखते हैं तो ओप्पो में आप लगा सकते हैं 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ आप इस पर नहीं लगा सकते। दोनों स्मार्टफोन को ऑलरेडी हमने बूट करके रखा हुआ है और दोनों की ब्राइटनेस भी कर दी है 100%। करीब से आपको डिस्प्ले क्लैरिटी दिखाएं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। ज्यादा बेटर कलर्स मुझे यहाँ पर ओप्पो K10 5G के लगे। हालांकि पोको में भी आपको काफी अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, और दोनों स्मार्टफोन के जो एज और बेजल्स हैं वो दोनों के बिल्कुल सेम टू सेम आपको
नजर आएंगे कॉर्नर से थिक, नीचे चिन थोड़ी सी आपको मोटी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोनों का यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। 90 Hz का रिफ्रेश रेट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। टच काफी स्मूथ और फास्ट आपको दोनों स्मार्टफोन का मिल जाता है और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी आपको दोनों स्मार्टफोन में मौजूद मिल जाएंगी, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोनों के डिस्प्ले की। तो 6.56 इंच की HD+IPS LCD आपको मिलती है ओप्पो K10 5G में और पोको M4 5G में आपको 6.58 इंच की फुल HD+IPS LCD दी गई है। एस्पेक्ट रेशो 20:1:9 का मिलता है ओप्पो में और पोको में आपको मिलता है 20:9 का। स्क्रीन रेजुलेशन 720x1612 पिक्सल और 1080x2400 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 269 ppi और 400 ppi की। पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन आपको ओप्पो में और पोको में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा दोनों की जो हाइट है वो लगभग एक जैसी आपको लग रही होगी। 163.8 mm की हाइट आपको मिलती है ओप्पो में और पोको में आपको 163.9 mm की हाइट दी गई है। दोनों स्मार्टफोन की थिकनेस को देखें तो 7.9 mm की थिकनेस आपको ओप्पो में और पोको में मिलती है आपको 8.9 mm की थिकनेस। 200 ग्राम इसका वेट है और 190 ग्राम इसका वेट है। दोनों पर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई आपको मिलती है। चलिए अब सेटिंग पे नजर डालते हैं। शुरुआत हम करते हैं ओप्पो K10 5G से। इसका जो सेटिंग का इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां नीचे आपको अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है तो यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 128 GB का स्टोरेज यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से 23 GB स्टोरेज ऑलरेडी यूज हो चुका है और आपको यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है 2.4 GHz का ऑक्टाकोर और चिपसेट MediaTek Dimensity 810 का दिया गया है। कलर OS वर्जन 12.1, 8 GB रैम प्लस 3 GB की वर्चुअल रैम, यानी कि टोटल 11 GB रैम आपको इसमें मिल जाती है। एंड्रॉइड वर्जन भी आपको इसमें लेटेस्ट 12 दिया गया है। 6 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक G57 के आपको इसमें दिए गए हैं। वहीं Poco M4 5G की सेटिंग को भी हम ओपन करते हैं तो इसका जो इंटरफेस है वो Redmi मोबाइल के जैसा ही आपको मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें MIUI मिलता है जिसका वर्जन है 13.0.2। इसमें भी आपको स्टोरेज मीटर यहाँ पर दिया गया है। 64 GB का स्टोरेज मिलता है जिसमें से यूज हो चुका है 20 GB, बाकी आपको फ्री मिल जाता है। इसके अलावा एंड्रॉइड वर्जन इसमें भी आपको लेटेस्ट 12 दिया गया है। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो 4 GB रैम प्लस 1 GB वर्चुअल रैम, 5 GB रैम मिल जाती है। 2.2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, चिपसेट MediaTek Dimensity 700 का दिया गया है। 7 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक माली G57 के आपको मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में जो स्टोरेज टाइप है वो है UFS 2.2 का और एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक दोनों स्मार्टफोन में आप बढ़ा सकते हैं। रैम टाइप LPDDR4X का आपको दिया गया है। चलिए दोस्तों अब दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर नजर डालते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन कर दिया है तो मुझे ज्यादा कलरफुल कैमरा ओप्पो का लगा। यहाँ पर आप ओप्पो का कैमरा देख सकते हैं, तो जूमिंग देख लेते हैं एक बार। तो जूम करके आपको दिखाएं तो पूरा 10 गुना तक आप कर सकते हैं ओप्पो के मोबाइल से जूम, और पोको से भी आप पूरा 10 गुना जूम कर सकते हैं। 10x जूम क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर ओप्पो के मोबाइल से देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको फुल जूम क्वालिटी यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी इसमें है, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर ओप्पो का ही आपको ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपको कलरफुल कैमरा पसंद आते हैं तो यहाँ पर आपको करीब से भी दिखा देते हैं किसका कैमरा आपको ज्यादा बेटर लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे ओप्पो और पोको की ओर से आने वाले दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन। दोनों ही स्मार्टफोन अपने बेहतरीन खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन दोस्तों अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की। तो दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, 18,000 रुपये का आपको मिलता है ओप्पो K10 5G स्मार्टफोन। ये 8 GB वेरियंट है, हालांकि 16,000 रुपये में इसका 6 GB वेरियंट आपको मिलता है। वहीं पोको M4 5G आपको मात्र 13,000 रुपये की कीमत में मिलता है, ये 4 GB वेरियंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि आप 18,000 रुपये खर्च कर रहे हो और आपको इसमें नॉर्मल HD+ डिस्प्ले ही मिलती है, तो ये एक माइनस पॉइंट लगा मुझे ओप्पो का। हालांकि कैमरा इसका बेस्ट है और इसका जो प्रोसेसर है वो भी आपको बेस्ट मिल जाता है, लेकिन कुछ कमियां हैं, इन्हें दूर करना चाहिए था ओप्पो को, नहीं तो ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा ओवर प्राइस लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल की है, कैमरा क्लैरिटी मुझे काफी अच्छी लगी, डिस्प्ले क्लैरिटी भी काफी अच्छी दी गई है। वहीं पर आपको 13,000 रुपए के अंदर पोको
M4 5G दे रहा है फुल HD प्लस डिस्प्ले। दोनों ही स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ है, हल्का फुल्का पानी मोबाइल का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाता है। इसके अलावा वर्चुअल रैम भी आपको यहाँ पर भरपूर मात्रा में दी गई है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। मुझे यहाँ पर ओप्पो K10 5G बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस लगा, लगभग 15-16 हजार रुपए इसकी कीमत होनी चाहिए थी। आजकल जैसे मार्केट में मोबाइल फोन्स का कंपटीशन चल रहा है तो उस हिसाब से ये मोबाइल काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इसके अलावा तो आप सभी की पसंद मैटर करती है। आप अगर ओप्पो यूजर हो तो आपको ओप्पो का फोन पसंद आएगा, पोको यूजर हो तो पोको का ही स्मार्टफोन आपको पसंद आएगा।